हेलो। तिरानवे रन 5 विकेट के नुकसान, इससे एक अच्छा शॉट और यहां पर गेंद चली गई इस बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। इसी तरह के तेज तरार बल्लेबाजी बल्लेबाजी करने की जरूरत आज, क्योंकि अब ज्यादा ओवर का खेल शेष नहीं रह गया है और अगर रन नहीं यहां से गति को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर अगली गेंद से फिर से खेला है और इस बार फिर से सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती है 4 रन के लिए। एक और यहां पर लंबा प्रहार और एक और यहां पर 6 रन आता हुआ। लगातार इस ओवर में प्रहार करते हुए यहां पर समीर दत्ता। अगली गेंद और फिर से सहवाग उठाया, हालांकि उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे। फिर से 4 रन मिलता हुआ, शानदार बल्लेबाजी इस ओवर में अभी तक समीर दत्ता के द्वारा और 20 रन इस ओवर अभी तक बटोर चुके हैं अपनी टीम के लिए, जबकि अभी एक गेंद आना शेष। गेंदबाज आकाश आकाश राजे से गेंदबाज की खबर लेते हुए यहां पर समीर फिर से यहां पर शॉट, लेकिन इस बार 1 ही रन मिलेगा। हालांकि इस गेंद में भी शॉट खेलने का पर्याप्त अवसर जरूर था, लेकिन इस बार गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए समीर दत्ता। बढ़ता हुआ स्कोर समीर का 40, जबकि टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस पूर्णिया चैलेंजर्स लीग के चौथे लीग मुकाबले में। अब यहां से 3 ओवर का खेल शेष, जो ये पूरा टूर्नामेंट है वो 21-21 ओवर का रखा गया है और मौसम काफी सुहावना, हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं सुबह से ही, लेकिन क्रिकेट के लिए कह सकते हैं एक बेहतरीन मौसम, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई। और वैसे भी पूर्णिया मिनी दार्जिलिंग के नाम से मशहूर, तो मिनी दार्जिलिंग का एहसास कराता हुआ आज का ये मौसम पूर्णिया में बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। बिहार के क्रिकेटों के लिए एक बड़ा मंच सजाया गया है पीडीसीए के तत्वाधान में और उसी के तहत आज ये मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। अगली गेंद से खेलना चाहा लेकिन टाइम नहीं कर पाया, गेंद गई लॉन्ग ऑन मिड ऑन के क्षेत्र में, जब तक लॉन्ग ऑन से दौड़कर क्षेत्र रक्षक गेंद को फील्ड करते। और यहां से आगे के लिए अब मैं आपको जोड़ूंगा जो एसडीएन के कह सकते हैं कि टेक्निकल सेल के हेड हैं,
कुंदन जी वो कमेंट्री में आपके साथ जुड़ेंगे। अगली गेंद यहाँ पर बिना गेंद के लाइन में लंबा शॉट खेलने का प्रयास और वही हुआ नतीजा, पूरी तरीके से विफल रहे बल्लेबाज रंजीत। बहुत अच्छी गेंदबाजी अमित के द्वारा। अभी तक 3.2 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन देकर 1 विकेट लिया है अमित ने, और जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं निश्चित तौर पर खासकर रात्रि के मुकाबलों में और भी बल्लेबाजों को परेशानी यहां पर आती हुई। लाइट्स के नीचे लगातार गेंद, तेज गेंदें दोनों तरफ मूव करती हुई। अगली गेंद प्रयास किया जरूर यहां पर लंबा हिट लगाने का, लेकिन फिर से गेंद को टाइम नहीं कर पाए। गेंद इस बार गई फिर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 19वीं ओवर पर गति पर जबकि 115 हो चला है स्कोर, डेड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। बेल्स जो है वो ऑफ हो गया था, एम्पायर जिस ओर खड़े हैं उस तरफ। जबरदस्त फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू अमित के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए कम। निश्चित तौर पर न सिर्फ इन्होंने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बचाए बल्कि बाकी खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया अपने शानदार क्षेत्ररक्षण से। और जब तेज गेंदबाज अपने थ्रू फॉलो थ्रू इस तरह का क्षेत्ररक्षण करे तो यह दिखाता है कि वो गेंदबाज कितना फिट है, कितनी पैनी नजरें हैं उसकी गेंदों पर। अगली गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद और क्लीन बोल्ड यहां पर, ऑफ कटर गेंद, इसका कोई जवाब नहीं था इस बल्लेबाज के पास। अमित की जितनी तारीफ की जाए कम, और जिस तरह से वो गेंदबाजी लगातार इस पूरे मैच में कर रहे थे निश्चित तौर पर ये लग रहा था उन्हें एक और सफलता यहां जरूर मिलेगी। और ये ऑफ कटर गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को समझ में नहीं आई और अपना विकेट गवाया यहां पर। अब श्वेत सिंह आए हैं बल्लेबाजी के लिए और देखना है अपने टीम को, जो कि फिलहाल छोटे स्कोर के अंधेरे में घिरती जा रही, उसे कैसे बाहर निकाल पाते हैं यहां से। अच्छा खासा स्ट्राइक रेट 188.89 का, अभी इसी तरह के स्ट्राइक रेट की जरूरत भी, हालांकि लंबे लंबे हाथ लंबे शॉट लगाना जानते लंबे हाथ इनके, लेकिन अमित के सामने एक चुनौती होगी। इसी बीच एक और शानदार गेंद और ओवर की समाप्ति, अमित के एक और शानदार ओवर की समाप्ति होती हुई यहां पर। अमित ने अभी तक 4 ओवर के स्पेल में मात्र 11 रन खर्च करके 2 विकेट लिया अपनी टीम के लिए। और यहां सब आगे की कमेंट्री के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे FDN के कुंदन जी। कुंदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और चाहेंगे कि आप यहां से आगे कमेंट्री करें। और 19 ओवर हो चुके हैं अब तक, ब्रह्मस बॉम्बर्स की टीम जो 116 रन बना चुकी है 6 विकेट के नुकसान पर। और समीर जो इस वक्त काफी अच्छे बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं और ये बल्ले को पुश कर दिया है और पीछे जो है 4 रन की ओर बिल्कुल। और फिर से जो है समीर ने अपने बल्ले 4 रन समीर के खाते में फिर से 4 रन जुड़ा और ब्रह्मोस बॉम्बर्स के कुल मिलाकर के 120 रन 6 विकेट के नुकसान पर हो चुके हैं 19.1 ओवर। और फिर से समीर ने कोशिश की मगर इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी
और फिर से स्वेथ जो है वो आउट हो चुके हैं। सातवां झटका बॉमर्स, ब्रह्मोस बॉमर्स की टीम को सातवां झटका। इस वक्त तमाम लोग, दर्शक हमें घर बैठे भी देख पा रहे हैं एचडीएन चैनल के माध्यम से, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप हमें देख पा रहे हैं। सुशांत बालास्टर जो यूट्यूब चैनल पे है, काफी रोमांचक मैच जो इस वक्त पूर्णिया की धरती पर हो रही है। सुभाष चंद्रा जो बॉलर्स इस वक्त बॉलिंग करते हुए, और फिर से अपील की गई और फिर से यह झटका, आठवां झटका ब्रह्मोस बॉमर्स की टीम को। एक सौ बीस रन कुल मिलाकर हो चुके हैं, जिसमें कि आठवां झटका फिर से लग चुका है ब्रह्मोस बॉमर्स की टीम को। और काफी कम गेंदे ही बची है और विकेट भी काफी कम है, तो देखना है ब्रह्मोस बॉमर्स की टीम इस वक्त किस तरह अपनी रन रेट को बढ़ाती है, क्योंकि अभी जो सिलसिला चल रहा है वो लगातार विकेट के गिरने का है। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मोस बॉमर्स की जो टीम है उन्हें सोचना होगा रन बनाने के लिए अंतिम कुछ बॉल में। सुहास कुमार ने अब तक जो है मात्र 16 रन दिए हैं, जिसमें 4 विकेट ले चुके हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त मैदान में सुभाष चंद्र। इस वक्त विराट जाहिद नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। और ये फिर इस वक्त पुश किया था मगर कोई रन नहीं मिलेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी सुभाष चंद्रा इस वक्त काफी अच्छी गेंदबाज के रूप में सिद्ध हो चुके हैं। और ब्रह्मोस बॉमर्स के लिए काफी नुकसानदेह गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। फिर से सुभाष चंद्रा की अगली बॉल, और ये पुश करने की कोशिश की और फिर से यह एक फिर से झटका। जी हाँ, और यह नौवां विकेट फिर से ब्रह्मोस बॉमर्स का जा चुका है सुभाष चंद्रा के खाते में। फिर से एक विकेट, और इस वक्त सुभाष चंद्रा ने मात्र 16 रन दे करके 5 विकेट ले चुके हैं। 120 से ज्यादा जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं। आठवां विकेट, नौवां विकेट लगातार वो ले रहे हैं। जी हाँ, सुभाष चंद्रा एक काफी अच्छी गेंदबाजी। और 20 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और मात्र एक ओवर बचा हुआ है।
राजीव जो नए बल्लेबाज इस वक्त कमांड संभाल रहे हैं, मैदान संभालते हुए राजीव, नहीं माफ कीजिएगा, समीर को फिर से मौका मिला है कि वो कुछ कर सके, क्योंकि ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। वाचस्पति जो बॉलिंग पे है इस वक्त, और समीर जो है पुश कर दिया है बाउंड्री के पास, कोशिश की मगर इस वक्त जो है वहाँ पे सिर्फ एक रन मिलेंगे। काफ़ी अच्छी फील्डिंग, समीर दत्ता जो काफी अच्छे बल्लेबाज इस वक्त ब्रह्मस बॉमर्स के लिए। और वाचस्पति जो फिर से बॉलिंग की तरफ, बॉल को पुशअप किया मगर टच नहीं कर पाए बैट। समीर दत्ता काफी अच्छी कोशिश कर रहे थे, और आखिरी चार गेंद बची है। और फिर से वाचस्पति बॉलिंग की तरफ, अच्छी गेंद, एक सौ बाईस पर ब्रह्मस बॉम्बर्स 9 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त जो है विद्या विहार की टीम कोशिश कर रही काफी अच्छी अपनी जवाबदेही बनाने की। और पुशअप कर दिया बैट्समैन, और राजीव जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वाचस्पति फिर से बॉलिंग करते हुए, और फिर से बाउंड्री वॉल के पास चार रन मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, चार रन और 127 रन कुल मिलाकर ब्रह्मोस बॉमर्स की हो चुकी है 9 विकेट के नुकसान पर। राजीव ने इस वक्त अच्छे बैट्समैन के रूप में अंतिम में कोशिश कर रहे हैं। और एक रन लेने की कोशिश, और यह सभी ओवर 21 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 128 रन कुल मिलाकर ब्रह्मोस बॉम्बर्स ने 9 विकेट लिए, माफ कीजिएगा, ब्रह्मोस बॉम्बर्स 9 विकेट के नुकसान पर 128 रन कुल मिलाकर 21 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और विद्या विहार को कुल मिलाकर के 129 रन चाहिए जीत के लिए 21 ओवर में। ब्रह्मोस बॉम्बर्स और विद्या विहार के बीच यह मैच हो रहा है पूर्णिया के डीएसए ग्राउंड में। विद्या विहार की टीम को इस वक्त 129 रन चाहिए 21 ओवर में।
ब्रह्मोस बॉम्बर्स की टीम से इस वक्त 128 रन 9 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ब्रह्मोस बॉम्बर्स में आपको बता दे अर्णव किशोर, अकीव राजा, चिरंजीवी ठाकुर, खालिद आलम, शशांक उपाध्याय, समीर, राजीव कुमार झा, रंजीत कुमार, श्वेत कुमार सिंह, रुपेश और विराट जाहिद। इन्होंने बैट्समैन के रूप में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सुभाष चंद्रा जो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। वाचस्पति ने भी 1 विकेट लिए, वहीं अमित कुमार ने 2 विकेट लिए। प्रदीप यादव ने भी 1 विकेट लिए। और विद्या विहार की टीम अब से कुछ ही देर के बाद बल्लेबाजी करेंगे और उनके सामने 129 रनों का लक्ष्य जो ब्रह्मोस बॉम्बर्स की टीम है उन्होंने दिया है, तो देखते हैं विद्या विहार की टीम क्या कुछ कर पाती है पूर्णिया की धरती पर, जो आज यह आगाज हुआ है एक अच्छे क्रिकेट के रूप में। काफ़ी लोगों की उत्साह इस क्रिकेट के रूप में देखा जा रहा है। डीएसए ग्राउंड पूर्णिया जो भट्टा बाजार के बस बगल में है, तो आप अगर पूर्णिया से है तो आप यहां आ करके भी मैच का आनंद ले सकते हैं। डीएसए ग्राउंड पूर्णिया यह मैच लगातार लगभग 12 तारीख तक चलेगी और दिन और रात दोनों में यह मैच आप घर बैठे टेलीविजन के माध्यम से भी देख पाएंगे। और सुशांत बॉम्बर्स के YouTube चैनल पर भी इस मैच का प्रसारण किया जा रहा है।
विद्या विहार की टीम जो अब से कुछ ही देर के बाद मैदान में आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। और आप सभी घर बैठे SDN चैनल के माध्यम से बने रहिए इस चैनल पे, ताकि हम जो है आपको अगला इनिंग जो विद्या विहार अब से कुछ ही देर के बाद खेलने जा रही है तो वो देख पाएंगे। इससे तो आप सभी घर बैठे इस पूरे क्रिकेट को देख सकते हैं और टेलीविज़न और मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस क्रिकेट का लाभ उठा सकते हैं। लगातार यह 12 तारीख तक जो है इसका प्रसारण किया जाएगा और आप सभी देख पाएंगे। पूर्णिया चैलेंजर्स लीग 2022 के को स्पॉन्सर्स हमारे ब्रजेश ऑटोमोबाइल, महिंद्रा, विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल और विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल और VVIT, साथ ही कैरियर प्लस को स्पॉन्सर्स हमारे। और हमारे फूड पार्टनर है IG खाए जी द फैमिली रेस्टोरेंट और लाइव कवरेज में GTPL और SDN। साथ ही हॉस्पिटलिटी पार्टनर है हमारे होटल युवराज पैलेस और डिजिटल मीडिया पार्टनर संघ टाइम्स न्यूज लाइव, महाकाली ग्रुप के सौजन्य से। इस वक्त जो है पूर्णिया चैलेंज लीग 2022 की आगाज हो चुकी है और आज जो है यह दूसरा दिन मैच का, जो हमारे को स्पॉन्सर्स है इस वक्त ब्रजेश ऑटोमोबाइल और महिंद्रा, महाकाली ग्रुप, विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल VVRS इस वक्त हमारे को स्पॉन्सर्स के रूप में और साथ ही विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VVIT और कैरियर प्लस हमारे को स्पॉन्सर्स के रूप में है।
और फूड पार्टनर के रूप में आए जी खाए जी। और लाइव कवरेज आप देख पा रहे हैं SDN चैनल और GTPL पर। साथ ही हॉस्पिटलिटी पार्टनर होटल युवराज पैलेस और डिजिटल मीडिया पार्टनर इस वक्त हमारे न्यूज चैनल के रूप में संघ टाइम्स न्यूज लाइव। हमारे स्पॉन्सर्स आए जी खाए जी, पूर्णिया चैलेंज लीग। युवराज होटल युवराज भी देख लेते बोला।
हमारे स्पॉन्सर पूर्णिया चैलेंज लीग 2022 के तमाम स्पॉन्सर्स जो हमें सहयोग किए हैं इस कार्यक्रम को बढ़ाने में, इस क्रिकेट लीग को काफ़ी सपोर्ट दिए। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने भी काफ़ी सराहनीय कार्य किया और हमारे फूड पार्टनर आई जी खाए जी और SDN चैनल के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को घर बैठे भी देख पा रहे हैं। और ब्रह्मस बॉम्बर्स जो अभी बैटिंग कर चुके हैं, साथ ही बर्जेस ऑटोमोबाइल्स से हमारे सपोर्टर्स महिंद्रा राइज बर्जेस ऑटो को स्पॉन्सर्स है हमारे कैरियर प्लस विश टू सक्सेस इस वक्त काफ़ी सपोर्ट करते हुए हमारे स्पॉन्सर्स जो महिंद्रा राइज ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स जो हमारे को स्पॉन्सर्स है, साथ ही GTPL और SDN सीमांचल डिजिटल SK वीडियो विजन ने भी काफ़ी सपोर्ट किया इससे घर बैठे लोगों तक पहुंचाने में। मैन ऑफ द सीरीज जो लिंक मोटर्स है वो उन्होंने बुलेट भी दिया है जो मैन ऑफ द सीरीज एक खिलाड़ी को दिया जाएगा। साथ ही अतुल महाकाली वैकेंस और महाकाली ग्रुप के काफ़ी सपोर्ट मिला है इस पूरे क्रिकेट लीग को। हुंडई महाकाली ऑटो व्हील्स जो एक नाम है पूर्णिया में, महिंद्रा महाकाली डिस्ट्रीब्यूटर्स, महाकाली का काफ़ी सपोर्ट इस वक्त इस क्रिकेट लीग को मिलता हुआ। उनके कई सारे ग्रुप्स, महाकाली सुपर जेंट्स जो एक टीम के रूप में भी इस लीग में मौजूद है, साथ ही टाटा मोटर्स महाकाली मोटर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है और बहुत सारे टीम मंत्रा विजार्ड पूर्णिया ये सब टीम जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ कई स्पॉन्सर्स, को स्पॉन्सर्स, फूड पार्टनर, लाइव कवरेज के पार्टनर और यह सारी टीम जो है इस वक्त मैच खेल रही है इस पूरे लीग में, पूर्णिया प्रीमियर लीग जो इस वक्त 2022 में हो रहा है। और रामबाग टाइटंस भी मौजूद है इस लीग में, रामबाग की टीम और TMP एवेंजर्स ये सभी टीम है और विद्या विहार वेकिंस की एक अलग ही टीम जो अब से कुछ ही देर के बाद मैदान पर उतरने जा रहे हैं। और विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल और VVIT जो हमारे को स्पॉन्सर्स भी है, विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया विहार, बिहार के एक अध्ययन के लिए जाना माना नाम विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल जो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विद्या विहार वैकेंट्स ने भी एक टीम बनाई है, विद्या विहार के स्कूल के और VVIT के टीम ने मिलकर के। साथ ही पूर्णिया चैलेंजर लीग 2022 के हमारे काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला जो इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिए, इस पूर्णिया क्रिकेट लीग को जो है बढ़ावा दिए। आई जी खाए जी हमारे फूड पार्टनर्स भी है जो फूड्स के रूप में हमारे सभी टीम्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का सराहनीय प्रयास जो इस वक्त
देखिए तो भैया अभी ठीक है, और फिर से मैच की शुरुआत। पहली गेंद इस वक्त और एक रन पहली गेंद की शुरुआत के साथ खाता खुला फिर से विद्या विहार का। और इस वक्त आ चुके हैं मैदान पर भास्कर, इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे भास्कर दुबे जो है, श्वेत सिंह इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं और भास्कर दुबे बल्लेबाजी के रूप में इस वक्त विद्या विहार की ओर से, विद्या विहार वैकिंस की ओर से। और यह एक बार फिर से शानदार चौका, जी हां, विद्या विहार का खाता खुलता हुआ और यह पहला चौका इस वक्त विद्या विहार की टीम की ओर से, शानदार सा चौका। और यह विद्या विहार के 6 रन बिना किसी नुकसान के इस वक्त 3 गेंदों में। और इस वक्त 123 रन चाहिए जीत के लिए। चौथी गेंद, काफी अच्छी फील्डिंग, गेंद भी काफी अच्छी। और यह पुशअप कर दिया है और यह सीधे फील्डर के हाथ में और यह पहला झटका विद्या विहार की टीम को। छक्के मारने की कोशिश की गई थी मगर सीधे फील्डर पे विद्या विहार को यह पहला झटका, विद्या विहार विकेट्स पहला झटका लगता हुआ। भास्कर दुबे जो सिर्फ 4 रन बनाकर भास्कर दुबे इस वक्त मैदान से बाहर। और और यह फिर से मैच की शुरुआत। पहले ही ओवर में विद्या विहार की टीम को एक झटका लग चुका है इस वक्त। और सूरज इस वक्त बल्लेबाजी के रूप में आए हैं, नए बल्लेबाज के रूप में सूरज इस वक्त मैदान पे।
ऋतिक इस वक्त बल्लेबाजी के रूप में आगे हुए और यह फील्ड अप कर दिया है और यह सीधे बाउंड्री लाइन के पार और विद्या विहार की टीम को इस वक्त 4 रन का मुनाफा होते हुए और यह एक ओवर की समाप्ति के बाद विद्या विहार ने 4 रन फिर से अर्जित किए और कुल मिलाकर 10 रन एक विकेट के नुकसान पे विद्या विहार की टीम को 119 रन चाहिए कुल 119 बॉल में। और यह फील्ड अप कर दिया है सीधे फील्डर के हाथ में, मारने की कोशिश की गई थी मगर कोई फायदा नहीं। भैया उधर नहीं तुकी है, उधर नहीं फेंकेगा, उधर मंदिर है। और 1.2 ओवर इस वक्त हो चुके हैं और बैट्समैन ने पीछे की तरफ काफी अच्छी फील्डिंग, जी हाँ देखिए काफी रोमांचक यह दृश्य, काफी अच्छी फील्डिंग के रूप में। सूरज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए फिर से मारने की कोशिश की गई और ये सही थे एक बार फिर से 4 रन की ओर, बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल, अंपायर ने 4 रन का इशारा किया और इस तरह विद्या विहार के कुल मिलाकर 15 रन पूरे हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। और ये फिर से पुशअप कर दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर और सूरज जो है इस वक्त एक बार फिर से 4 रन अपने टीम के लिए अर्जित करते हुए। जी हाँ उन्नीस रन विद्या विहार की टीम ने कुल मिलाकर अर्जित कर लिए हैं। और फिर से काफी ऊपर और ये कमेंट्री बॉक्स के ऊपर गिरता हुआ और काफी हमारा स्क्रीन देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है मगर हम किसी तरह बचाव करते हुए ये पीछे की ओर जो है आप देखेंगे पीछे की ओर गई बॉल, मैं भी डर रहा था कहीं बॉल मेरे ऊपर तो नहीं आएगी। चलिए और यह गेंदबाज फिर से विद्या विहार के कुल मिलाकर 25 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर
और सूरज ने जो पीछे एक छक्का मारा काफी शानदार सा था। और ये फिर से पुशअप किया है सीधे फील्डर के हाथ में, एक रन लेने की कोशिश, एक रन मिलेंगे। और ये ऋतिक फिर से बल्लेबाजी पे, कोई रन नहीं मिलेंगे। श्वेत सिंह काफी अच्छे गेंदबाज, और श्वेत सिंह फिर से गेंद को फेंकते हुए पुशअप कर दिया है सीधे फील्डर के हाथ में, रन लेने की कोई कोशिश नहीं। विद्या विहार के कुल मिलाकर के 27 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, फिर से पुशअप कर दिया है, काफी अच्छी फील्डिंग, फिर भी एक रन मिले विद्या विहार वैकेंट्स की टीम को। और 27 पर एक, तीन ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर इस वक्त 28 हो चुका है, 28 रन एक विकेट के नुकसान पर, तीन ओवर की समाप्ति। विद्या विहार के वैकेंट्स के कुल मिलाकर 28 रन हो चुके हैं। एक सौ आठ बॉल में 101 रन चाहिए विद्या विहार की टीम को। इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन की गई है, खालिद जो है इस वक्त जो है गेंदबाजी में आ गए हैं मैदान को संभालने के लिए ब्रह्मोस बॉम्बर्स की ओर से। और बता दें कि भट्टा और नवरत्न हाता के बीचों बीच स्थित डीएसए ग्राउंड में इस वक्त मैच हो रहा है जो पूर्णिया के बीचों बीच। खालिद काफी अच्छे बॉलर, दो बॉल फेंक चुके हैं बिना कोई रन दिए इस वक्त। काफी अच्छे बॉलर के रूप में सिद्ध हो रहे हैं खालिद, कोशिश यही कि रन ना दे। और फिर से एक बार कोशिश की गई मगर कोई फायदा नहीं विद्या विहार की टीम की ओर से। ऋतिक जो है बल्लेबाजी संभाल रहे हैं, 8 रन उन्होंने बनाए हैं 11 बॉल पे, और 105 बॉल में 101 रन की जरूरत। फिर से पुशअप किया है सीधे फील्डर के हाथ में, खालिद ने 4 बॉल फेंके हैं इस ओवर में,
कोई रन नहीं दिए। फिर से खालिद की अगली गेंद कोशिश की गई, इस बार सीधे बाउंड्री लाइन के उस पार। तो मौका पाते ही ऋतिक ने भी कोशिश की किस तरह इस ओवर में अपनी रन रेट को बढ़ाया जाए और चार रन जो है सीधे स्टेट की ओर खींचते हुए। कुल मिलाकर विद्या विहार की टीम की इस वक्त जो है 32 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की समाप्ति। विद्या विहार के इस वक्त 32 रन एक विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 102 बॉल में 97 रन चाहिए विद्या विहार की टीम को। श्वेत सिंह इस बार फिर से बॉलर के रूप में आए हैं, उन्होंने ही पहले विकेट छटकाए हैं विद्या विहार के, इसलिए उन्हें फिर से बॉलिंग के रूप में भेजा गया ताकि कुछ फायदा मिल सके ब्रह्मोस बम्बर्स की टीम को। सूरज बल्लेबाजी करते हुए और यह फिर से पुशअप कर दिया है, कैच लेने की कोशिश की गई कोई फायदा नहीं। विद्या विहार ने फिर से अपने रन को बढ़ावा दिया 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। सूरज सिंह माफ कीजिए आदित्य किस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और श्वेत सिंह फिर से बॉलिंग करते हुए। और यह पुश कर दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के उस पार, फिर से चार रन मिलेंगे। काफी अच्छी पार्टनरशिप इस वक्त ऋतिक और सूरज शर्मा की। ऋतिक ने 15 बॉल में 16 रन अर्जित किए हैं, वहीं सूरज ने 8 बॉल में 18 रन अर्जित किए हैं। फिर से पुशअप कर दिया है लेकिन वहां फिर खिलाड़ी मौजूद। चालीस रन एक विकेट के नुकसान पर विद्या विहार वैकेंस की टीम की। और वहां पर खिलाड़ी मौजूद फिर से। और श्वेत सिंह ने इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकने की तैयारी कर ली है। सूरज बल्लेबाजी करते हुए पुशअप कर दिया है।
कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त पिंकू ऑपरेटर हमारे एचटीएन के आ चुके हैं। और पांचवें ओवर की समाप्ति हो चुकी है इस वक्त। बयालीस रन एक विकेट के नुकसान पे विद्या विहार वाइकेंट्स की टीम की। और सूरज जो है इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी खासी रन रेट इस वक्त विद्या विहार की। इसी तरह की जरूरत होगी जीत को अपनी ओर खींचने के लिए। अगली गेंद इस ओवर की पहली गेंद और यह पुशअप कर दिया है, आगे फील्डर मौजूद और देखेंगे क्या कोई शायद रन नहीं ले पाए इस वक्त। ऋतिक बल्लेबाजी करते हुए 17 रन लिए है कुल मिलाकर। पीछे की ओर मारा है बल्लेबाज ने, ऋतिक पुशअप कर दिए हैं। जी हाँ, एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के उस पार गेंद। एक शानदार चौका। विद्या विहार की तरफ से काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, ब्रह्मोस को यहां विकेट की सख्त जरूरत। इसी बीच पवेलियन एंड से सोहित अपनी बॉलिंग की शुरुआत करते हुए।
विद्या विहार विकिंग्स का स्कोर 51-1। शुरुआती झटके के बाद उभरती हुई विद्या विहार किंग्स सोइत ओवर द विकेट, काफी अच्छी गेंद, जाने दिया विकेट कीपर के पास। सोहित हमसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट, उनकी गेंद काफी अच्छी गेंद उठा के मारा है, छह रन के लिए। सोहित ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, एक रन के लिए खेल दिया। सोहित पवेलियन से हमसे दूर जाते हुए, उनकी गेंद काफी अच्छी गेंद उठा के मारा है, देखिए क्या होता, और ये 6 रन। पवेलियन से सोहित, उनकी गेंद काफी फिर उठा के मारा है, और ये 6 रन। रोमांचक मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर ब्रह्मोस बॉम्बर और BBIT के बीच। विद्या विहार वाइकिंग्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था और ब्रह्मोस बॉम्बर के टीम ने 21 ओवर के खेल में 128 रन बनाए। यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल इशू, देखना है हमारे निर्णायक सातवां ओवर का खेल चलता हुआ। विद्या विहार वाइकिंग्स 70 रन बना चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। सामने बल्लेबाज सूरज शर्मा सामना करेंगे श्वेत सिंह का, और यहां पर इसे मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट यहां पर सूरज शर्मा के बल्ले से, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और इसका पूरा फायदा उठाते हुए सूरज शर्मा और 6 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 76 रन एक विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन, जी हाँ, काफ़ी आक्रामक अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज ऋतिक और सूरज। ऋतिक लोकल बॉय हैं और सूरज शर्मा कटिहार के बल्लेबाज, काफ़ी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। करेंट रन रेट अगर देखा जाए तो 10.86 के एवरेज से रन बना रही है विद्या विहार वाइकिंग्स की टीम। खालिद को लाया गया है भट्टाचोरी इंड से, खालिद आलम सामना करेंगे ऋतिक।
अभी मात्र 53 रन जीत के लिए विद्या विहार वाइकिंग्स को चाहिए। 84 गेंद अभी शेष है। खालिद गेंदबाजी का भार लेकर आए हैं, भट्टा चौरियन से सामना करेंगे ऋतिक। बाएं हाथ के गेंदबाज और यहां पर इसे मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है ऋतिक कुमार ने। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जी हां, निश्चित रूप से काफी आक्रामक बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा, काफी आक्रामक अंदाज में देखते दिखते हैं दोनों ही बल्लेबाज। मैच को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में दोनों ही बल्लेबाज। और इस बार हवा में गेंद जरूर, लेकिन क्षेत्र रक्षक के पहुंच से काफी दूर, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन लगातार बाउंड्री में डील करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 2 गेंद में 10 रन अर्जित कर चुके हैं। यह पूर्णिया चैलेंजर लीग का दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला चलता हुआ यहां विद्या विहार वाइकिंग्स और ब्रह्मोस बॉम्बर्स के बीच। इसी बीच खालिद, अच्छी गेंद यहां पर सम्मान दिया ऋतिक ने, जाने दिया विकेटकीपर के दस्तानों में। यहां पर एम्पायर का निर्णय देखना होगा, कुछ टेक्निकल इश्यू ग्राउंड पे, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, उनको ठीक करते हुए हमारे निर्णायक तरविंदर सिंह, बीसीए पैनल, आज के मुख्य निर्णायक बीसीए पैनल तरविंदर सिंह और राजीव नंदन सिंह मुख्य निर्णायक के भूमिका में। इसी बीच खालिद सामना करेंगे ऋतिक, और फिर से इस बार खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक फील्ड होता दोनों ही बल्लेबाज के पास छोर बदलने का मौका। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, प्रशंसनीय बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा। यह निश्चित रूप से दोनों ही जाने माने बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और फिर से इसे खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से 4 रन, लेग साइड पर गेंद, और इसे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं बल्लेबाज को खेलने में। गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, और स्कोर को पहुंचाया 91 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज शर्मा, और इस बार रूम बनाकर खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी के पहुंच से दूर, और फिर 4 रन के लिए। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ ये खालिद का। बयालीस गेंद में 85 रन का पार्टनरशिप कर चुके हैं, और इसी 4 रन के साथ सूरज शर्मा का अर्धशतक पूरा। 17 गेंद में 4 छक्के और 5 चौके की मदद से सूरज शर्मा ने अपना 50 रन पूरा किया, जबकि ऋतिक कुमार 27 गेंद में 2 छक्के 5 चौके की मदद से 40 रन पर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 95 रन बना चुकी हैं विद्या विहार वाइकिंग्स की टीम। यहां ब्रह्मोस बॉम्बर्स अपना दूसरा मैच खेलते हुए, पहली मैच में इन्हें महाकाली के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, और दूसरा मैच यहां चलता हुआ विद्या विहार वाइकिंग्स के अगेंस्ट। गेंदबाजी में परिवर्तन, चिरंजीवी को गेंदबाजी का भार सौंपा गया है। चिरंजीवी ठाकुर जिन्हें नवरत्न छोर से, इनसे गेंदबाजी का भार सौंपा गया है। सामने ऋतिक, और पहले ही गेंद पर इसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रन से स्वागत किया है चिरंजीवी ठाकुर का ऋतिक ने। खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऋतिक, और इस 4 रन के साथ ऋतिक का व्यक्तिगत स्कोर 44 रन। मैच 28 गेंद में 44 रन पर बल्लेबाजी करते हुए ऋतिक, 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 44 रन पर, और टीम का स्कोर 99 रन। और फिर से कड़ा प्रहार यहां पर, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट यहां पर ऋतिक के बल्ले से, पहले ही गेंद पर स्क्वायर लेग पर खेले थे 4 रन अर्जित किए थे, और इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रन। काफी
आकर्षक बल्लेबाजी और इस 6 रन के साथ ऋतिक कुमार भी अपना 50 रन पूरा किया। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर दोनों ही बल्लेबाज अर्धशतक बनाकर क्रीज पर डटे हुए। और यहां पर इसे खेल दिया है कवर रीजन में और यहां पर एक मिसफील्ड गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। जी हां, निश्चित रूप से यह गेंद रुकनी चाहिए थी, फील्डर श्वेत सिंह थे। यहां पर एक मिसफील्ड रिजल्ट 4 रन। काफी आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए ही दोनों बल्लेबाज स्कोर को पहुंचाया 110 रन। और यहां पर स्लोअर गेंद से गली क्षेत्र में खेला, जब तक फील्ड होता छोर बदलने का मौका दोनों ही खिलाड़ी के पास। जीतने के लिए मात्र 18 रन की जरूरत 73 गेंदों में। काफी आक्रामक बल्लेबाजी का परिचय दिए हैं दोनों ही बल्लेबाज ने और फिर से एक जोरदार हिट रिजल्ट 4 रन। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में हर एक गेंद पर बाउंड्री अर्जित करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 115 रन। अब 72 गेंदों में 14 रन की जरूरत विद्या विहार वाइकिंग्स को। पूर्णिया चैलेंजर लीग का यहां मुकाबला चलता हुआ विद्या विहार वाइकिंग्स और ब्रह्मोस बॉम्बर्स के बीच। निश्चित रूप से मैच बिल्कुल एक तरफा कर गए हैं दोनों ही बल्लेबाज सूरज शर्मा और ऋतिक कुमार। अभी यहां पर मात्र मैच में औपचारिकता ही बची हुई, 14 रन बनाने हैं विद्या विहार वाइकिंग्स को जीतने के लिए। विद्या विहार वाइकिंग्स का यह पहला मुकाबला, जबकि ब्रह्मोस बॉम्बर्स अपने पहले मुकाबले को हारकर यह दूसरा मुकाबला खेल रही है। ब्रह्मोस बॉम्बर्स को अभी भी जीतने की दरकार और गेंदबाजी में परिवर्तन। अर्णव किशोर को गेंदबाजी का भार सौंपा गया है भट्टा छोरी से। पहला ओवर काफी महंगा रहा था अर्णव किशोर का। देखना है इस ओवर में क्या कर पाते हैं अर्णव किशोर। सामने सूरज शर्मा बल्लेबाजी के लिए तैयार। काफी आक्रामक बल्लेबाजी किए हैं सूरज शर्मा में। 19 गेंद में 55 रन बना चुके हैं अभी तक, जिसमें 6 चौके और 4 छक्का शामिल है। दर्शनीय बल्लेबाज, पूरा मनोरंजन करते हुए दर्शकों का सूरज शर्मा और ऋतिक कुमार अनुराग। और यहां पर स्लोअर डिलीवरी पूरी तरह चूके बल्लेबाज सूरज शर्मा। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी मजे हुए बल्लेबाज हैं सूरज शर्मा। आक्रामक बल्लेबाजी और यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद फाइन लेग की ओर 4 रन के लिए। भाग्यशाली रहे कि अंदरूनी किनारा लगकर विकेट पर नहीं टकराई। रिजल्ट 4 रन।
जी हाँ बिल्कुल, मैच को एक तरफा सा कर दिया है दोनों ही बल्लेबाज ने, सूरज शर्मा और ऋतिक कुमार। सूरज शर्मा अपने व्यक्तिगत 59 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों का अब तक सामना किया है सूरज शर्मा ने। अर्णव किशोर फिर से स्लो डिलीवरी और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई थर्ड मैन दिशा में, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। ब्रह्मोस बॉम्बर का जहां तक सवाल है, उनकी आज ना बैटिंग चली ना ही आज बॉलिंग में कोई लय में दिखे कोई भी गेंदबाज, और फुल टॉस गेंद लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। ब्रह्मोस बॉम्बर्स ने पहले बल्लेबाजी की थी और उनकी बैटिंग कॉलैप्स कर गई थी, लेकिन गेंदबाजों ने भी कोई खास दम नहीं दिखा पाए इस मैच में। मात्र 8 रन की जरूरत जीतने के लिए, और यहां पर खराब गेंद, इसका पूरा फायदा उठाया सूरज शर्मा ने फाइन लेग की दिशा में 4 रन। बिल्कुल ही खराब गेंद, यू कह ले कि ब्रह्मोस बॉम्बर्स ने आज ना तो बैटिंग चली ना ही कोई गेंदबाज लय में दिखे, बिल्कुल एक तरफा सा मैच। ये 10वां ओवर चलता हुआ, आखिरी गेंद अभी भी आने शेष, और मात्र 4 रनों की जरूरत विद्या विहार वाइकिंग्स को जीतने के लिए। और आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, यहां पर बल्ला हाथ से छूटा है और गेंद विकेट से टकराई है, विकेट लेने में कामयाब अर्णव किशोर अपने आखिरी गेंद पर। 125 रन के योग पर गिरता हुआ यह दूसरा विकेट सूरज शर्मा, जो कि 64 रन बनाकर वापस जाते हुए। जी हाँ, बहुत विकेट आई लेकिन बहुत लेट से विकेट आई। अब महज औपचारिकता ही इस गेम में बची हुई है, मात्र 4 रनों की जरूरत विद्या विहार वाइकिंग्स को जीतने के लिए। 10 ओवर की समाप्ति पर 125 रन, जबकि 2 महत्वपूर्ण विकेट का पतन हो चुका है विद्या विहार वाइकिंग्स के बल्लेबाजों का, और जो विकेट गिरे हैं उसमें पहला विकेट भास्कर दुबे जिन्होंने 4 रन का योगदान दिया था, और दूसरा सूरज शर्मा जिन्होंने 24 गेंद में 64 रन की धमाकेदार पारी खेलकर वापस पवेलियन में। नए बल्लेबाज आकाश राज आए हैं सूरज शर्मा का स्थान लेने के लिए। महज 4 रनों की जरूरत, सामने ऋतिक, और यहां पर पहले ही गेंद पर बाउंड्री लगाकर इस मैच को अपने नाम करते हुए विद्या विहार वाइकिंग्स ने 8 विकेट से इस मैच को अपने नाम किया। शानदार खेल का प्रदर्शन यहां पर विद्या विहार के गेंदबाज और बल्लेबाजों के द्वारा, जिसमें ऋतिक ने 62 रन 33 गेंद में, जबकि सूरज शर्मा ने 24 गेंद में 64 रन की धमाकेदार पारी खेली और इस मैच को अपने नाम किया। 8 विकेट से विद्या विहार वाइकिंग्स ने इस मैच में अपना जीत दर्ज किया, पहली जीत दर्ज करते हुए विद्या विहार वाइकिंग्स, जबकि ब्रह्मोस बॉम्बर्स को अभी भी जीत का इंतजार करना होगा अगले मैच तक के लिए। अब यहां देखना है कि अगली मैच, कल का जो मैच है कल का मैच, पहला मैच दिन के 1:30 बजे से मंत्रा विजार्ड बनाम ब्रह्मोस बॉम्बर्स के बीच खेला जाएगा दिन के 1 बजे से, और शाम के 5:30 से दूसरा मुकाबला इस पूर्णिया चैंपियंस लीग का टीएनपी एवेंजर्स बनाम विद्या विहार वाइकिंग्स के बीच खेला जाएगा। इसी के साथ
इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए विद्या विहार वाइकिंग्स, और कल विद्या विहार वाइकिंग्स शाम के 5:30 बजे अपना दूसरा मुकाबला टीएनपी एवेंजर्स के साथ खेलेगी। टीएनपी एवेंजर्स जो कि कल अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी पूर्णिया के डीएसए ग्राउंड में। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित पूर्णिया चैलेंजर लीग का यह मुकाबला चलता हुआ, आज का पहला मुकाबला महाकाली सुपर जायंट्स और रामबाग के बीच खेला गया, जिसमें महाकाली सुपर जायंट्स ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी 172 रन से, और दूसरे मुकाबले में विद्या विहार वाइकिंग्स ने 8 विकेट से इस मैच को अपने नाम किया। इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। तो एक बड़ी जीत अभी दर्ज की यहां पर विद्या विहार वाइकिंग्स ने, और इस जीत की जरूरत भी थी जिस तरह से शुरू से ही खेल खेला विद्या विहार वाइकिंग्स ने। उसके सामने कहीं भी ब्रह्मोस बम्बर्स आज टिकी हुई नहीं दिख रही थी, और अंततः 8 विकेट्स की हार मिली यहां पर। और अब जो कल का मुकाबला होगा वो उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, कल दोपहर जो पहला मुकाबला खेला जाएगा वो दोपहर के 1:30 बजे से मंत्रा विहार वर्सेस ब्रह्मोस बम्बर्स के बीच, जबकि दूसरा जो मुकाबला होगा वो 5:30 बजे टीएनपी एवेंजर्स वर्सेस विद्या विहार वाइकिंग्स के बीच खेला जाएगा। दोनों ही मैच का लाइव टेलीकास्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल सुशांत ब्लास्टर पर देख पाएंगे, जबकि एफडीएन नेटवर्क पर भी इसका लाइव प्रसारण होगा। तो निश्चित तौर पर कल का मुकाबला, जो दोनों ही मुकाबला होगा, वो बड़े ही रोमांचक दौड़ में पहुंचने की उम्मीद है उस मुकाबले को, क्योंकि दोनों ही टीमें सशक्त कल